मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच में भ्रष्टाचार का राज फाश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव वीरा राणा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एएससी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव, गृह सचिव और संजय दुबे सहित कई अन्य अधिकारियों को मंत्रालय में तलब किया था। शनिवार शाम तक नर्सिंग घोटाला की जांच में रिश्वत कांड के आरोपित अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रश्न किया कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भ्रष्टाचार में लिप्त निरीक्षक को 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया था, तो अब तक राज्य सरकार में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? दागी पुलिस कर्मियों को अब तक क्यों बर्खास्त नहीं किया गया जो अमला जांच में संलग्न था, चाहे वह स्वराज्य पटवारी हो या अन्य, उन्हें अब तक चिन्हित क्यों नहीं किया गया? मुख्यमंत्री ने नर्सिंग कॉलेजों की धांधली रोकने के लिए रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दे दिए हैं।